साथियों, दिन ब दिन शुगर की समस्या बढ़ती जा रही है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा शुगर होता जा रहा है और ऐसे में उन पर एलोपैथिक दवाओं का काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा एलोपैथिक दवाओं का सेवन उन्हें करना पड़ता है तब जाके कहीं पर शुगर कंट्रोल हो पाता है और एलोपैथिक दवाएँ कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट अपना देती रहती हैं जिनसे उनका शरीर जो है काफ़ी कमज़ोर होता रहता है। तो ऐसे में अगर आप एक ऐसे आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करें जिससे आपका शुगर कंट्रोल रहे तो काफ़ी बेस्ट रहता है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाओं का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा जो आपके शुगर को कंट्रोल करेगा और इसका नाम है डाबर ग्लाइकोटाइड और इसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर से बड़ी आसानी से परचेज कर सकते हैं। बाइंग लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और इसको जो सेवन करने का तरीका है, इसको खाने का तरीका क्या है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं विजय प्रकाश गुप्ता और आप इस समय देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल विजय फार्मेसी को। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मैंने बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको भी देख पाएँ। साथियों, इस दवा का नाम है डाबर ग्लाइकोटाइड आयुष 82 और ये जो है पूरी तरह से आयुर्वेदिक टैबलेट है। शुगर वाले मरीजों के लिए ये काफ़ी बेस्ट है। जिसको अपना शुगर आयुर्वेदिक दवाओं से कंट्रोल में रखना है तो ग्लाइकोटाइड का इस्तेमाल कीजिए और ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक होने के नाते से इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा, आपकी शुगर को कंट्रोल रखेगा। डाबर ग्लाइकोटाइड आयुष 82 टैबलेट की बॉक्स में आपको 60 टैबलेट देखने को मिलता है, जो कि आपको इसे रेगुलर सेवन करना है और इसकी MRP आपको 360 रुपये देखने को मिलेगी, जो 6 रुपये का एक टैबलेट आपको पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है लेकिन आपके जीवन पर इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, आप सुरक्षित रहेंगे। और जैसा कि डॉक्टर बताते हैं, एलोपैथिक दवाओं को खाने से, जो शुगर का एलोपैथिक दवा होता है उसके इस्तेमाल से किडनी ख़राब होती है, तो अगर आप आयुर्वेदिक दवा का सेवन करेंगे तो इससे आपकी किडनी सुरक्षित रहेगी और आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा। मैं आपको इसे बाहर निकाल के दिखा दूँ, ये देख लीजिए इस तरह से इसका आपको डिब्बी देखने को मिलता है। और इसको जो सेवन करने का तरीका है, आपको इसे सुबह शाम दोनों समय आप ले सकते हैं एक एक टैबलेट। अगर बुज़ुर्गों को लेना है, उम्र जिनकी ज़्यादा है, वो दो दो टैबलेट सुबह शाम दोनों समय लेना है खाने के बाद में। और इस दवा की खास बात यह है कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक कि अगर शुगर से ग्रसित प्रेग्नेंट महिला भी है तो भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है कि इसको गर्भवती महिलाएं भी इस्तेमाल कर सकती हैं अगर उनको शुगर है तो। तो अगर आप एक बेस्ट आयुर्वेदिक शुगर की दवा चाहते हैं तो डाबर ग्लाइकोटाइड बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, काफ़ी जल्दी इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा, शुगर काफ़ी जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।